भाई लोग सुबह के 6:30 बजे एंड मैं निकल चुका हूँ राइड के लिए। एंड किधर जा रहा हूँ पता है? मैं जा रहा हूँ भाई पुरी की तरफ। भाई हम लोग का एक ही डेस्टिनेशन है राइड का, वो है पुरी। तो भाई लोग आज है संडे, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मैं निकल चुका हूँ पुरी के लिए। एंड मेरे बाइक में भी पेट्रोल बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ एक बार बचा है। पीछे पेट्रोल पंप में रुका था लेकिन वहाँ पे इतनी तेज भीड़ थी वहाँ पे, कम से कम 10-15 मिनट मेरे वेस्ट हुए थे, इसलिए मैं वहाँ पे बिल्कुल रुका है नहीं। सोचा एक बार है आगे, वो जो HP का एक पेट्रोल पंप आता है वहाँ तक मेरे को लगा कि बाइक पहुँच जाएगा। 87 का तो रेंज दिखा रहा है, अब देखते हैं किस्मत के ऊपर है, पहुँच गया तो पहुँच गया, नहीं तो रुद्रा है ही मेरे साथ, तो धक्का मारेगा। लेकिन लेट से मेरे को लगता है पहुँच जाना चाहिए, तो वहाँ पे पेट्रोल फिलअप कराएंगे एंड देन सीधा जाएंगे पूरे। वहाँ पे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन रिटर्न आएंगे। तो अभी जब तक पेट्रोल नहीं भरा लेते, थोड़ा इकोनॉमी स्पीड में चलाएंगे, मतलब 6th गियर एंड 70-80 के स्पीड में, बस ना ज़्यादा खींचेंगे ना ज़्यादा ब्रेक मारेंगे, एक कॉन्स्टेंट स्पीड में चलाएंगे ताकि माइलेज थोड़ा अच्छा है। एक बार पेट्रोल फिल हो जाए ना उसके बाद खींच सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ तक पहुँच जाए तो बड़ी बात है। एंड भाई लोग कल ब्लॉग आया नहीं, उसके पीछे एक रीज़न है। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब इतना तेज हेड पेन हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था। मैं बोला भाई क्या हो गया, लेकिन फिर एक मेडिसिन लिया, उसके बाद ठीक हो गया। आज पूरा ठीक लग रहा है, आज कोई टेंशन नहीं है, तो आज मैं निकल गया राइड के लिए। नहीं तो मैं अगर आज ठीक नहीं लग रहा तो आज भी मैं राइड पर नहीं जाता, आज भी फिर ब्लॉग नहीं आता। लेकिन कोई नहीं, अभी अच्छा लग रहा है ना, तो अभी राइड पर निकल गए तो आज तो ब्लॉग आएगा, लेकिन कल नहीं आया। मंथली ऐसे 3-4 छुट्टी चलता है अभी, तो भाई इतना भी प्रोफेशनल हुए नहीं है ना। एक पे इतना प्रोफेशनल हो जाए कि भाई एक एक ब्लॉग से फिर इतना हजार रुपए, तब जाके एक बार सोचना पड़ेगा कि अरे बाप रे आज ब्लॉग नहीं हुआ। ये पेट्रोल पंप में तो पेट्रोल मिलता ही नहीं है, अजीब पेट्रोल पंप है, सिर्फ डीजल रखता है। मौसम एकदम सही हो रखा है ना, आज वो वेदर फोरकास्ट दिखा रहा था कि शायद से बारिश हो सकती है भुवनेश्वर में, लेकिन भाई बारिश नहीं हो तो अच्छा, हम लोग भीग जाएंगे पूरा आने के टाइम, मज़ा नहीं आएगा। फिर मौसम ऐसा ही बना रहे ना, सही है, एकदम आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। वैसे हम लोग सोचे थे 6 बजे तक निकल जाने के लिए, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, 6 बजे सोचे थे, 6:30 बज गया। एकदम अच्छी इकोनॉमी स्पीड पर चला रहा हूँ, तो अभी रेंज 92 दिखा रहा है। वाह बेटे वाह। चलो भाई फाइनली पेट्रोल मिला, एकदम चलाना ही नहीं हो रहा था, अब एक बार पेट्रोल जाएगा ना तब आराम से चला पाएंगे। पावर अच्छी, चलो 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 चलो, अब आराम से चला पाएंगे है ना, अभी और इकोनॉमी देख के नहीं चलाना पड़ेगा। चलो, कितना देर से 80 के स्पीड में चला रहा था, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा था। फन इधर है, किधर है भाई? ओह वाटर पार्क में फन है क्या? नहीं भाई उससे ज़्यादा फन इधर है भाई, वाटर पार्क में जितना फन है उसे बहुत, उससे 10 गुना ज़्यादा फन राइडिंग में है भाई। जो राइडिंग करता है उसी को पता है, बस इतना है, धूप में फटती है, ठंड में फटती है, बारिश होती है तब फटती है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्प्रिंग सीजन में सबसे मज़ा आ जाता है, जो कि इंडिया में सिर्फ 5-6 दिन या 10 दिन का होता होगा मैक्सिमम। बाकी धूप, सर्दी एंड बारिश तीनों में फटती है भाई, एंड वो तीनों में अगर फटती भी है उसके बाद भी अगर आपने उसमें चला ली, बस फिर आप तो हैवी ड्राइवर हो गए और क्या, उतना ही चाहिए। अरे अब ये रेंज वाले सेक्शन को हटा दो भाई, टाइम वाले सेक्शन में आ जाओ। 6:50, अरे रे रे इतना लेट हो गया हम लोग, हम 7 बजे तक पहुंच पाएंगे पूरी? नहीं लगता भाई, नहीं लगता, बहुत अभी और टाइम लगेगा, 20-25 मिनट लगेगा। फर्स्ट बैच का ब्रेकफास्ट ख़त्म, इसका फर्स्ट बैच चल रहा है, हम लोग का फर्स्ट बैच खत्म हो चुका है, अभी सेकेंड बैच ऑर्डर किया जाएगा, है कि नहीं? कैसा है? मस्त मस्त। तो ख़त्म तो कर, मेरा फर्स्ट बैच कब का खत्म हो गया? थोड़ा बड़ा होता तो फटफट होता। फोन भूल गया, वेरी गुड। तो भाई लोग बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट, 8 बज चुके हैं, एंड अभी यहाँ से हम लोग बीच वीच कहीं नहीं जाएंगे, सीधा घर जाएंगे वापस। भाई गर्मी तेज़ हो रही है, एंड अभी अगर बीच चले गए तो कोई फ़ायदा तो नहीं है, बस जाके वहाँ पे 10 मिनट बैठना है, वापस निकलना है, टाइम तो एक वेस्ट होगा, मज़ा तो ऐसा कुछ आएगा नहीं। क्योंकि गर्मी, अगर हम लोग और सुबह जल्दी निकले होते ना तो हम लोग का प्लान था पहले हम लोग बीच जाते, उसके बाद ही हम ब्रेकफास्ट करके निकल जाते। मिला, रखा हुआ था, छोड़ देता, चलते घर। बस भाई ऐसा ही वेदर रहे, क्लाउडी क्लाउडी घर पहुंचे आराम से। बस भाई धूप होगी ना तो भाई बहुत हालत खराब होती है, ऐसा क्लाउडी क्लाउडी मजा आएगा। सॉरी,
भाई लोग, इसके पहले वाले क्लिप में आपने जो देखा कि भाई पुलिस वाले खड़े थे अपने PCR में आए हुए थे, हम लोग वहाँ पे खड़े होकर नारियल पानी पी रहे थे, तो एक्चुअली बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा क्लियरली, क्योंकि वो वीडियो एक्चुअली शूट होने का नहीं था। लेकिन वो उसका जो पूरा स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो हुआ क्या, हम लोग पूरी से रिटर्न आ रहे थे, बीच में नारियल पानी वाले दिखे, तो हम लोग, मैं रुद्रा को बोला कि भाई यहाँ रुकते हैं, नारियल पानी पीते हैं। तो नारियल पानी वाले क्या करते हैं, वो जो लोग भुवनेश्वर से पूरी से भुवनेश्वर आते हैं उनको पता होगा, वो लोग एकदम रोड के कोने में लगाते हैं। तो हम लोग क्या किए, हम लोग अपनी बाइक है ना रोड के ऊपर ही, मैंने एकदम रोड जहाँ खत्म होता है लेकिन रोड के ऊपर ही पार्क किए थे, रोड के नीचे वो ब्राउन सरफेस पे नहीं लाए थे, पीछे के ऊपर ही था भाई। वहाँ पे खड़े होकर हम लोग नारियल पी रहे हैं, उसके बाद भाई वहाँ से PCR आया था। एंड वो उस टाइम मैंने अपना रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, मेरा ब्लॉग मैं सोचा था मैं जहाँ से ख़त्म किया, मतलब वो पुलिस वाला जो क्लिप है उसके पहले जहाँ से मैंने ख़त्म किया था, वो सोचा फिर घर आके अपना ब्लॉग एंड करूँगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, पुलिस वाले जैसे ही आए उसके बाद वो हम लोग को बोले कि भाई बाइक से ना थोड़ा आगे करके लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, रोड के ऊपर मत करो, क्योंकि उसके पहले एक टर्न आता है, तो उसके बाद क्या होता है ना, वहाँ से जो हाई स्पीड ड्राइवर्स रहते हैं अगर बाई चांस किसी को नहीं दिखा तो वो लोग वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं बोला, तब मैं नारियल पानी पी रहा था, तो बोला हाँ ठीक अच्छी तो मैं पी सा रहा, मतलब बोले कि ठीक है तुम लोग नारियल पानी पी लो उसके बाद साइड कर देना। उस टाइम क्या हुआ ना, रुद्रा क्या किया, रुद्रा संगे से अपना मोबाइल निकाला एंड उसको पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। वो करा क्या, लेकिन हाथ में नहीं पकड़ा था मोबाइल, वो पैंट के पॉकेट में रख के रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था। एंड उसके बाद क्या हुआ ना भाई, देखो जो भी है पुलिस वाले भी तो भाई इंसान है ना, उनको भी इंटरेस्ट आता है सब चीज़ें। फिर वो खड़े हो गए वहाँ पे, पूछ रहे थे भाई कितने की बाइक है, कौन से कंपनी की है, हेलमेट कितने का है, यहाँ पे आराम से चला पाते हो कि नहीं पाते हो। फिर वो इसमें से एक जन बोलते हैं कि भाई इसके लिए तो यमुना एक्सप्रेस वे ना वो सबसे परफेक्ट है, यहाँ पे तो होता नहीं होगा। मतलब हाँ भाई, यहाँ पे तो लोग ऐसे घुसते रहते हैं रास्ते के बीच में, आपको तो पता ही, आप लोग तो इधर आना आना करते ही रहते हो, यमुना एक्सप्रेस वे में आराम से एकदम खींच के जा सकते हैं। तो वो भी ऐसे ही बोल के फिर वो लोग अपना निकल गए, हम लोग वहाँ से अपना आकर और क्या, बस इतना ही सही बात था। कितने सारे मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बोला भाई ओडिशा की जो पुलिस है ना सबसे बेस्ट होती है, मतलब उन लोगों को इतना माथा पच्ची नहीं रहता है कि बेकार में जाके पिन मारो बाइकर्स के, तो यहाँ का पुलिस है ना बहुत सही है। तो वो लोग बस ऐसे इंक्वायरी कर रहे थे कि कौन सी बाइक है, कितने की बाइक है, हेलमेट कैसा है इसमें, ये सब क्या लगा हुआ है। तो उनको भी देखो भाई, इंसान है सबको इंटरेस्ट रहता ही उसमें, अगर आप भी ऐसा कुछ नया सा चीज़ देखोगे आप लोगों को भी तो इंटरेस्ट आएगा ना, वैसे ही चीज़ रहता है। बस उतना ही सब था, उसके बाद फिर वो लोग अपना निकल गए, हम लोग अपना वहाँ से आ गए। तो भाई लोग अभी घर पे आ चुके हैं, 12:30 बज रहा है। यहाँ पे मेरी जैकेट देख रहे हो भाई, जैकेट अभी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, जैकेट को एक बार साफ कराने के लिए देना पड़ेगा। सोचा बाहर साफ कराने दूँ या सीधा वॉशिंग मशीन में डाल दूँ, ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। तो देखते हैं जो भी करेंगे आज या कल में कर देंगे, क्योंकि आज शायद से शाम को बारिश हो सकती है, अगर बारिश हो गई जैकेट सूखेगी नहीं एंड वैसा करने से फिर कल हम लोग निकल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं जो भी करेंगे आज या कल एक दो दिन के अंदर वॉश करेंगे। तो भाई लोग व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। विद दैट्स इट गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।